रुक रुक के ना देख, 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 रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक बार फिर से देश की कमान हाथ लगने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। कनाडा की एक न्यूज चैनल के मुताबिक एग्जिट पोल में जस्टिन के लिबरल पार्टी को संसद में काफी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। पीएम ट्रूडो की पार्टी 146 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है। बता दें कि एग्जिट पोल हाल ही में कनाडा में खत्म हुए चुनाव पर आधारित है। सिर्फ एक एग्जिट पोल में ही नहीं बल्कि कनाडा के लगभग सभी एग्जिट पोलों के मुताबिक कनाडा के 304 चुनावी जिलों में जस्टिन की पार्टी आगे बताई गई है। गौरतलब है कि कनाडाई संसद में 338 सीटें हैं और जो पार्टी उन सीटों में से अधिकांश को जीतेगी वो सरकार बनाएगी। सरकार बनाने के लिए पार्टी को कम से कम 170 या उससे ज्यादा सीटें हासिल करनी होंगी, तभी बहुमत की सरकार बनेगी, तभी कोई सरकार आसानी से एक कानून पारित कर सकती है। लेकिन एग्जिट पोल की माने तो कोई भी पार्टी इस चुनाव में बहुमत हासिल करती नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि यदि एग्जिट पोल सही होते हैं तो दलों को सरकार बनाने और कानून पारित करने के लिए गठबंधन करना होगा। इस हिसाब से ट्रूडो की कुर्सी तो बच गई है लेकिन उनकी पार्टी देश में बहुमत खोती नजर आ रही है।